लौकी की सब्जी तो बहुत खाए होंगे, लेकिन कभी इस तरह बना के खाइए, बस आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिलाना है और स्वाद इतना अच्छा बढ़ जाएगा कि आप बार बार ऐसे ही बना के खाएंगे। तो अगर आपको ये सब्जी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और लौकी की सब्जी बनाना सीखने के लिए मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखें। हेलो माय डियर फूड लवर्स, स्वागत है मेरे चैनल मील विद माधव पे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। देखिए, अभी आपको इसे गैस पर नहीं चढ़ाना है, आप इसे ठंडा ठंडा ही, बस बिना गैस पे चढ़ाए इसमें मस्टर्ड ऑयल डालें और जो भी इंग्रेडिएंट है उसे डाल लें। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ हाफ केजी के आसपास लौकी, यानी कि बॉटल गार्ड। और मैंने दो छोटे साइज के टमाटर लिए हैं, मैंने बस इसका अच्छे से धो के क्लीन कर लिया और ऐसे ही पूरा पूरा डाला है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने 2 टीस्पून डाला है और ये हल्दी पाउडर जो कि 1/2 टीस्पून है, लाल मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। इसमें और कोई भी सब मसाले नहीं पड़ते हैं, बस हल्दी नमक मिर्च, बस इतना ही काफ़ी है। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में जब तड़का लगाऊंगा उस समय यूज़ करूंगा। तो बस इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद प्रेशर कुकर को आप गैस पर चढ़ा दें और इसे 2 सीटी आने दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, हम कुकर रेडी हो गया तो इसे गैस पर चढ़ा लेते हैं। और अब मैं लूँगा एक फ्राइंग पैन और ये है फ्लैक्स सीड, ये मैंने 1/2 कप लिया है। ये फ्लैक्स सीड बहुत ही अच्छा होता है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत पौष्टिक होता है। तो बस इसे हम हल्के आंच पर रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, और जब ये चटकने लगेगा तो बस इसे हम मिक्सी ग्राइंडर में डालकर एक बार पीस लेंगे। फ्लैक्स सीड को कई जगह अलसी भी बोलते हैं, तीसी भी बोलते हैं, और इसे ज्यादातर रोस्ट करके खाया जाता है। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, तो वो मैं कभी और आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, बस ये इस तरह जब चटकने लगेगा तो थोड़ा आवाज़ करेगा, और जब ये आवाज़ करना फ्राइंग पैन पे बंद कर देगा तो बस आप समझ जाइए कि अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और मिक्सी ग्राइंडर में थोड़ा दरदरा करके पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे पीस लिया है, ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आया है। तो बस यही तो है हमारे सब्जी का स्पेशल इंग्रेडिएंट। आप इसे चाहे तो खिचड़ी में भी डाल सकते हैं और लौकी के साथ अगर इसे मिला के खाया जाए तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, इसमें 2 व्हिसल आ गए हैं, तो मैं इसे ठंडा कर लिया हूँ कुकर को और एक बार चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं सब्जी बहुत अच्छे से गल गई है और इसमें मसाले भी पूरे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ये जो टमाटर था वो भी गल गया है। तो बस एक स्पैचुला लेंगे और इसे थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को भी अंदर में ब्रेक कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, ताकि सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। तो बस देखिए, सब्जी हमारी रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के आसपास अलसी के पाउडर, जो मैंने रोस्ट करके पाउडर रेडी किया था। तो बस रोस्टेड अलसी पाउडर इसमें डालना है 2 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस हमारी कद्दू तीसी यानी अलसी और लौकी की सब्जी बनकर के बिल्कुल रेडी है। कभी आप भी इस तरह बना के खाए आप इसके फैन हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। और आपने कभी ऐसा सब्जी अगर नहीं खाया है तो एक बार जरूर ट्राई करें। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट इस तरह भी खा सकते हैं और अगर नहीं तो आप इसमें थोड़ा तड़का भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ तड़का, तो मैंने 1/2 टेबल स्पून के आसपास दिया है मस्टर्ड ऑयल और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे जीरा
और एक पिंच हींग। और मैंने 3 हरी मिर्च को इस तरह लंबा करके चीरा कर लिया था। तो बस आप चाहे तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। और ये है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी पत्ता, तो ये मैं दे रहा हूँ 1/2 टीस्पून के आसपास। बस इसे मिक्स कर लेंगे और जो हमने सब्जी बनाया था उसमें तड़का लगा देंगे। इससे इसमें बहुत अच्छा अरोमा आता है और इसमें फ्लैक्स सीड का एक अपना स्वाद है। और थोड़ा सा कसूरी मेथी के साथ अगर तड़का लगाते हैं तो ये भी बहुत निखर के स्वाद आता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ऐसी सब्जी बनाएं आप बार बार खाएंगे। आप सब्जी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। तो दोस्तों आप भी बनाइए और खाइए। अगर ऐसी नई नई रेसिपीज आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।